लोग तो भाई क्या बाटी ने टेके में रहेंगे बाटी रखे दस लाख में जीता फिर यूँ कह तुम कहीं जीत ही बाटी जीते आप भी वोट लगे मोटियार के लगे कहाँ लगता है वोट लगता है भारत की बेरी क्या लग रहा प्लानिंग क्या मोटियार वाली मोटियारंग पल्ला नहीं है कांग्रेस पार्टी जीतेगी हमें दरा हम बहुत भारी मतों से विजय होंगे अच्छा आप चौधरी हो चौधरी होने से कोई कारण नहीं है तो बाटी पूरी जनता उनके साथ है स्टेट बैंक के नीचे सेटा के अमृतलाल जी की दुकान है कम से कम 20 साल से ज्यादा होगी मुझे देखते देखते सेटा आपकी बार लोकसभा में क्या लगता है मोदी को हम वोट देंगे अच्छा काम किया है मोदी ने अच्छा मोदी जी ने कौन सा अच्छा काम किया ये बताओ मंदिर का है 370 की धारा है तो भी अच्छा काम किया है लोगों के खाते के अंदर पैसे आते हैं गरीबों के लिए अच्छा अच्छा काम किया है मोदी जी आएंगे आएंगे मोदी लोग कह रहे मोदी जी आएंगे पर खेला जी नहीं आएंगे यूँ है आम पब्लिक है पब्लिक देंगे पब्लिक क्या देखती है, है? पब्लिक क्या देखती है भाटी या खेला जी देखते हैं खेला जी के खेला जी की तरफ हाँ पक्का हाँ साथ में कुंभाराम जी है जो भावना कला लैब स्टूडियो चलाते कई सालों से लगभग करीब 20 साल के प्लस हो गए मुझे देखते देखते और कुंभ जी हमारे साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेरे साथ में स्वयंसेवक भी है लेकिन मैं कुंभ जी का स्वयंसेवक है वो अलग विषय है मैं यहाँ थोड़ा राजनीति से संबंधित लूँगा अब गैर भाई साहब क्या लग रहा है लोकसभा में लोकसभा में अब की बार मोदी की योजनाओं से लोग बहुत प्रभावित है बहुत अच्छा कार्य किया है 10 साल मोदी ने इसलिए लोगों का सभी का रुझान है कि वोट तो मोदी जी को ही देंगे कैलाश जी या फिर रविंद्र जी मोदी दोनों तरफ होंगे नहीं जो बीजेपी के सिंबल से खड़े हैं कैलाश जी उन्हीं को देंगे वोट लोग कह रहे अब की बार पार्टी जीती नहीं लोग तो कहते होंगे लेकिन जो माहौल दिख रहा है उस हिसाब से लोग आखिर में जा करके मोदी के मानते हुए बीजेपी के चुनाव लोग ये भी कह रहे खेला जी आते नहीं है किसानों का क्लेम खा गए खेला जी ने कुछ करवाया नहीं मोदी जी आएंगे पर खेला जी नहीं आएंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये तो एक थोड़े बहुत कोई लोगों का स्वार्थ के लिए कुछ कह रहे हैं बाकी ऐसा कुछ नहीं है माहौल बहुत अच्छा है मोदी की सरकार बनेगी और कैला जी यहाँ से जीत के जाएंगे कोई मंत्र फूंकवाओगे क्या जीतने कोई मंत्र फूंकवाओगे नहीं ये तो अभी भाजपा की सरकार है राजस्थान सरकार में इसमें सभी ये अपने अपने हिसाब से प्रयास करेंगे तो सभी लोग इनसे प्रभावित होकर के थोड़ा मैं इधर संघ में कोई ऐसी हलचल हुई अभी कोई के मोदी जी को लाना है वापस ऐसा कोई नहीं वो तो संघ के स्वयंसेवक है जो देश हित में वोट दिलवाने के लिए लोकमत पुरस्कार के तहत कहते रहते हैं हाँ एक एपिसोड आया मैंने कोई मैं नहीं कहता ये वीडियो किसका है लेकिन एक वीडियो चलता है इंस्टाग्राम पे ऐसे मैं प्रमाणित नहीं करता कि संघ अब की बार मोदी जी के साथ में नहीं रहेगा ऐसा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है कोई ये फेक न्यूज़ किसी ने फर्जी वीडियो चलाया होगा बाकी देखा होगा एक इंस्टाग्राम पे चला था हाँ वो देखा है वो किसी ने झूठा बना के भेजा है बाकी संघ का मतलब देश के प्रति रहता है तो देश के हित में जो पार्टी काम करेगी उसके साथ संघ रहेगा बीजेपी के साथ में समय जी इस बार क्या लग रहा है लोकसभा में लोकसभा में मोदी जी को वोट देंगे स्वयंसेवक के हिसाब से या फिर समाज के साथ? नहीं नहीं समाज के हिसाब से नहीं राष्ट्र सर्वप्रथम है राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हुए राष्ट्र हित में ही मतदान करेंगे कैलाश जी जीतेंगे बिल्कुल जीतेंगे पक्का विश्वास के साथ पक्का विश्वास मेरे साथ में दोरमीना के बहुत बड़े व्यापारी है जो पटुड़ों के व्यापार करते हैं और इनकी बहुत से काम से या फिर इनके नाम से बहुत दोरमीना में ख्याति भी है काम से तो सेटा आपके बार लोकसभा में क्या विचार है लोकसभा में कैलाश जी चौधरी को वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी के इस लैंड में जब मैं आया तो सारे लोग यही कह रहे कैलाश जी जीतेंगे और बाकी अलग अलग दुकान वालों का अलग अलग होता है कहीं ऐसे नहीं कि खौफ से कह रहे हैं नहीं नहीं कोई खौफ नहीं हम तो भारतीय जनता पार्टी देश के हित का फैसला लेना चाहते थे बाकी कुछ नहीं अच्छा सब इस वाले लैंड वाले कह रहे हैं कैलाश जी जीतेंगे जीतना कितना तो उनका नसीब है लेकिन हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे लोग कह रहे कैलाश जी ने कुछ काम नहीं किया काम तो अपने जो योग्यता के हिसाब से काम करवाया बाकी कोई काम कमी नहीं रही अगली बार जीतने के अपन विजन के बीच हिसाब से वोट दे जीतेंगे अपन तो अपन वोट दे रहे हैं उनको जीतने की उम्मीद रखेंगे बाकी कोई जीतना करना तो उसकी नसीब का काम है रोहिला के है बिश्नोई जी है और कई सालों से LIC और अपने यहाँ पे सामग्री जो मसाला का बेचते हैं और कई सालों से यहाँ पे दुर्मिना अपना ठेला लगाते हैं इस बार मैं इनसे मेरा तो यहाँ आना जाना होता रहता है दादाजी अब की बार लोकसभा में क्या लगे अच्छा लगे जीतने जनता मन जनता का मन तो वही है कांग्रेस का तो है कांग्रेस में बीजेपी का है बीजेपी में जीतना हमें तीसरा कोई मालूम नहीं पड़े हमने दे तो वो है भीड़ क्या है भीड़ ये है जनता को वोट देंगे कौन जीत हम कौन जीती क्या मालूम नहीं कोई समा हमने जनता में वोट देना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हाँ मोदी हाँ तो रिमना का यहाँ गांधी जी बैठे हैं मेरे साथ में गांधी जी अब की बार क्या प्लानिंग है लोकसभा में वोटर देगा
वोट में देना ही चाहिए वोट देगा कौन के जीत ने प्लान है हवा करने पे हवा देख तो ठाकुर ही घणी बेदा रे पार्टी जीते हम के हाथ ही बात थे करिए बाकी वाला तो रुक रुक दूरी घणी बेन पति और कर्म कौन दे रुक रुक पार्टी की तरफ हां बस पार्टी की तरफ पार्टी जीत जाए उम्मीद तो है के ठेलों पे गया हूँ और राजनीतिक चर्चाएं कर रहा हूँ नेताजी क्या चाहते हैं लोग क्या चाहते हैं मैं अलग अलग लोगों से पूछ रहा हूँ नेताजी व्यापारिया क्या चाहे नेताजी मैं तो चाहवा रविंदर सिंह भाटी ने भाटी लांटो है मौर्या बोले के ना मौर्या नहीं रविंदर सिंह लांटो रही और लांटो युवा ने दिल्ली भेजना चाहवा मैं मौर्या बोला ना ना मौर्या वर्या की नहीं बात है भाटी जीत है जीते ज्यादा वोट जीत है लोग केलाजी भी जीते केलाजी नहीं केलाजी किसान है भीमांग है वास्ते केलाजी की कमियां रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री चावा जो प्रत्याशी है जो बीजेपी का सही नहीं होता रहा इसमें आप विष्णु ही हो हाँ विष्णु ही बूथ कहाँ पड़ता है हमारा बूथ पड़ता है कातरला 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 किधर है नहीं कातरला गांव गांव पड़ता है अब की बार सारे लोग अब की बार विष्णु अब की बार इधर रविंद्र पार्टी की तरफ कूद गए एक तो युवा लड़का एक तो बाड़मेर का युवा लड़का है एक तो ये बात है दूसरी युवा युवा काम करता है के साहब ने सर मिले को खेला जी नहीं हमारे के से कुछ लेना देना नहीं है नहीं हम तो हमें बोर्ड नहीं 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 हम लोकतंत्र है लोकतंत्र में हमारे किसी के ऊपर दबाव नहीं नहीं हमारे कोई देखो पहले हम हेमाराम जी को वोट देते थे बाद में भारतीय जनता पार्टी को दिया अभी हमको भाटी को देना है भाटी के विचार पक्की प्लानिंग बना प्लानिंग नहीं है हम चार पांच दिन छुट्टी करेंगे और प्रचार करेंगे क्या बात करें हाँ कल धर्मिना आएंगे भाटी जी बिल्कुल धर्मिना आएंगे अच्छा आपका क्या विचार है हमारा विचार आप ही देख ही रहे हो रविंदर सिंह भाटी की वेब चल रही है और बड़े अंतर से जीतेंगे नहीं जीते जीत रहे हैं अच्छा भाटी जी जीत रहे हाँ बड़े अंतर से जीत रहे हैं 5 लाख के अंतर से रविंदर सिंह भाटी जीत रहे हैं अच्छा। और बाकी इनकी जो कांग्रेस और बीजेपी की नीतियां हैं वो खत्म हो चुकी है अच्छा। जो ये कांग्रेस का प्रत्याशी क्या नाम है उसका उम्मीदवार हाँ। जो इलेक्शन लड़ा था पिछली बार विधानसभा चुनाव में ये लोकतांत्रिक आरएलपी से ऐसा और मौका देख के कांग्रेस में आ गया तो ये पार्टी की नीतियाँ खा रही मौका प्रस्त हो गए ना इधर ये केला चौधरी ने एक बयान दिया था प्रियंका चौधरी को मना रहे थे उस टाइम तो ये बोला था कि भाजपा और मेवाराम जैन को हराने के लिए मैंने मोदी की रैली जो बायतू में करवाई तो पार्टी की विचारधारा कहाँ रही उसके अंदर अच्छा इसका मतलब जाट जाटों का पक्ष कर रहे हैं नहीं वो तो उनकी देखो उनकी चीज़ है लेकिन सतीश कौम के युवा नौजवान बाड़मेर यहाँ से मतलब रामगढ़ से लेकर गांधव तक और उधर कल्याणपुरा से लेकर अंतिम शोर है जो ये बाकासर है यहाँ तक पूरी उनकी वेब चल रही है भाटी जीतेगा और बड़े अंतर से जैसा कि यह जैसलमेर है शिव शिवाना पसपदरा नहीं बायतू को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्र में रविंदर सिंह भाटी पूर्ण बहुमत से आगे रहेंगे पक्का पक्का विश्वास के साथ कह रहे हो विश्वास के साथ कह रहा हूँ मैं